ये देखिए, ये जो आप आलिशान चीज देख रहे हैं, ये एकदम बेहतरीन चीज है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ये राष्ट्रकूट राजा के जमाने में बनवाई गई हैं। और आप देख रहे हैं, ये सारी 34 गुफाएं एक ही पहाड़ को काट कर बनवाई गई हैं। ये सब कैलाश मंदिर है। ये सारा का सारा ढांचा जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर से काट के बनाया गया हुआ है। इस तरह की कला का नमूना पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप जगह जगह पर देखेंगे, ये जो रंग लगा हुआ है, ये उसी जमाने का है और आज भी इसकी चमक वैसी ही है जैसे पहले थी। जैसे ही आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप भी कहेंगे, बनाया तो बनाया कैसे। तो ये 34 गुफाओं में से 12 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इसको बनाने में कितने साल लगे होंगे? 200 साल, पूरे 200 साल। हाँ, राजा महाराजा आते गए, मूर्तियां बनाने का काम चलता रहा। 15 पीढ़ियों तक ये काम चलता रहा और ये पूरी तब जाके ये पूरी गुफाएं बनी हैं। और अब ये जो आप आलिशान पिलर देख रहे हैं, द मैग्निफिशेंट पिलर, ये ध्वज स्तंभ है और ऐसे 2 ध्वज स्तंभ यहाँ हैं। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। ऊपर जाकर अगर आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो काम देख के शायद आप लोग बेहोश हो जाएंगे। आइए 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 आइए, इधर आइए, आप भी इधर आइए पीछे। हाँ, आप इधर आइए, आइए देखिए, बच्चों को इधर खड़ा कीजिए। हिमालय के बीच में पर्वत, पर्वत के बीच में देखो, वो जो नीचे टूरिस्ट खड़े हैं, मैं उनको अटेंड करता हूँ। ओके, मैं हमारे नए दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और ऐसी 2 इमारतें हैं। ये जो पूरा परिसर है, ये पूरा संस्कृति दर्शन करने के लिए राष्ट्रध्वज राजा ने निर्माण कराया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, यहाँ 3 अलग अलग धर्मों को जगह दी गई है। और जब तक ये मंदिर बन चुका था, तब तक यहाँ से 2,00,000 टन पत्थर बाहर निकाला जा चुका था। कितना? 2,00,000। 2,00,000 टन पत्थर यहाँ से निकाला जा चुका था। और ये देखिए, ये कैलाशनाथ का जो मंदिर है, इसका जो एरिया है, वो ग्रीस का जो पार्थलॉन का फेमस मंदिर है, उससे दुगना है। हाँ, ये हकीकत है। ऐसा है, पहले इस मंदिर को पूरा सफेद रंग दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि ये पूरा मंदिर कैलाश पर्वत में बसा हो और उसमें शिवजी विराजमान हो। अच्छा हुआ सर, केस जल्दी सॉल्व हो गया। 2-4 दिन और लग जाते, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। क्यों सर, हुआ क्या? देखा नहीं तूने, यहाँ पे कितनी गर्मी है, मुंबई में उतनी गर्मी कहाँ है। रेडी, आजकल तुम गर्मी सर्दी की बहुत बातें करते हो, लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, घर भेजना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं, वाकई तुम्हें आराम की जरूरत है। फ्रेडी, मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। आराम हराम है सर, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिट हूँ, फिर रोना शुरू करोगे। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है सर, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए सर, किसी की जान को खतरा है। आप कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, कहाँ, क्या हुआ, क्या है, वो तो बताओ। सर सर, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, करण। औरंगाबाद से? बताओ बात क्या है। सर आप यहाँ पे आओगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या बात है। बताओगे नहीं, कहाँ पर क्या हुआ है? हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बड़ा अजीब सा आदमी था, करण नाम था उसका, औरंगाबाद से फोन था, कह रहा था किसी की जान को खतरा है, आप जल्दी से चले आइए। डरा हुआ सा लग रहा था, लगता है हमें औरंगाबाद जाना चाहिए। तो जी, गाड़ी औरंगाबाद ले लो। अभिजीत, दया और डॉक्टर साहब, तीनों को बोलो औरंगाबाद पहुंच जाए। यस सर।
सर हमने फोन नंबर ट्रेस किया, पता चला है कि वो फोन किसी हीना मोबाइल शॉप का है। इतना बड़ा आदमी आपकी आंखों के सामने खड़ा है, फिर भी आप लोग। मालिक कौन है? मैं ही मालिक। तुम मालिक हो तो फिर बताओ ये नंबर 178-33-234 कहाँ का नंबर है? हाँ सर यही का है। यही का नंबर। अच्छा यहाँ पे करण कौन है? करण ये कौन है? नहीं नहीं मतलब यहाँ पे करण वरण कोई नहीं। करण वरण कोई नहीं है तो फिर इस नंबर से मतलब 178-33-234 नंबर से फोन किसने किया था? सर हमने किसी को फोन नहीं किया था, वो तो एक आदमी आया था, कहने लगा उसका फोन खराब हो गया है, एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ले भाई जब तक तेरा फोन ठीक होता है तब तक मेरे फोन से बात कर ले। मतलब किसी ने तो फोन किया था ना, बताओ भाई कौन था वो? सर पता नहीं कौन था लेकिन परेशान लग रहा था। और उस आदमी से तुम्हारी और कोई बात हुई या उसे पहचानते हो तुम? नहीं सर बात तो नहीं की, मगर उसने सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ था और जल्दी जल्दी में वो अपने कुछ पेपर छोड़ के भाग गया। दिखाओ कौन से पेपर। एक मिनट सर देता हूँ। इस पर लिखा तो कुछ नहीं है मगर है ये हैंडमेड पेपर, हाथ का बनाया हुआ पेपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी हैंडमेड पेपर्स बना रहा हो? सकता है। समझ भी नहीं आ रहा सर, अगर ये करण हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो वहां से भागा क्यों? फोन करके उसे भागने की क्या जरूरत थी? डरा हुआ लग रहा था और घबराहट थी उसकी आवाज में, शायद कोई पीछे लगा है उसके। फ्रेंड सर उसे ढूंढना जरा मुश्किल लग रहा है। उस हैंडमेड पेपर बनाने वाले फैक्ट्री से पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो है कौन। सर ये आदमी या तो फैक्ट्री में काम करता होगा या फिर कोई ग्राहक होगा जो पेपर खरीदने आया होगा। सर वो एक छोटे छोटे पेपर्स लेकर घूम रहा था, ऐसा क्या हो सकता है इन पेपरों में? देखते हैं सचिन को तो भेजा है पता लगाने के लिए उस फैक्ट्री में जहाँ पे ये हैंडमेड पेपर बनते हैं। यहीं पर तो कहीं आने वाला था वो, कहाँ पर है ये? यहाँ पर यहीं पे कहीं मिलने वाला था। क्या पता चला? सर यहाँ पे पास में ये गांव है जहाँ पे इस तरह के पेपर्स बनाए जाते हैं सर, और उस गांव में इसी तरह का काम होता है, हैंडमेड पेपर्स का ही काम होता है सर। वहाँ पर तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, ये कैसे पता चलेगा कि किस फैक्ट्री में बना है ये पेपर? सिर्फ यही एक फैक्ट्री है जो चालू है सर, बाकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। गाड़ी अब इससे आगे तो जाएगी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। सचिन यही है काजीपुरा बैठ।
इंचार्ज कौन है? कोई मैनेजर वगैरह है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, मैनेजर तो नहीं है, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ का। बोलो साहब, क्या काम था? पेपर का ऑर्डर पेटर देना है क्या? एक बार यहाँ का पेपर वापरोगे तो हमेशा याद करोगे। नहीं नहीं, हमें कोई पेपर नहीं चाहिए, बात कुछ और है। हम लोग CID से। CID? क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, गलती नहीं हुई है। हम लोग एक आदमी के बारे में पता कर रहे हैं। करण नाम है उसका। करण? वो तो हमारा कस्टमर है सर, वो हमेशा यहीं से पेपर खरीदता है। उसे कौन नहीं जानता साहब, इस फैक्ट्री का हर आदमी उसे जानता है। ये करण है कहाँ पे अभी? पता नहीं सर। हाँ, वो कल आए थे, समझो 4 बजे के आसपास आए थे, उसके बाद पता नहीं साहब। सर, करण 4 बजे यहाँ आया था, लेकिन उसने फोन हमें 4:30 बजे किया। इसका मतलब है हमें फोन करने से पहले वो यहाँ पे आया था। अच्छा, ये करण कब तक था यहाँ पे? थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। हाँ, मगर कुछ देर बाद फिर वापस आए थे दो लोगों के साथ। दो लोगों के साथ वापस आए, क्यों, क्या काम था? वो लोग भी पेपर खरीदने जा रहे थे। अच्छा, जब ये लोग यहाँ पे घूम रहे थे तभी ये लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? पेपर खरीदने की बात कर रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि उन्हें बहुत सारा पेपर चाहिए। पेपर खरीदने की बात कर रहे थे? माफी किस चीज की मांग रहे थे? आप लोग जब अंदर आए, आप करण साहब की बात कर रहे थे। मैं डर गया साहब, मुझे लगा मैं फंस गया साहब, मुझे माफ करो साहब। क्या किया तुमने करण के साथ? मैंने कुछ नहीं किया साहब करण साहब के साथ। फिर? मैंने मैंने उनकी मोटरसाइकिल चुराई साहब। मैं करण की मोटरसाइकिल चुराई? हाँ साहब। कहाँ से चुराई मोटरसाइकिल? फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी साहब, वहीं से चुराई साहब। फैक्ट्री के बाहर से? हाँ साहब, कल 7:30 बजे मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था साहब, मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी थी, और आज सुबह मैं आया तो मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी साहब। करण साहब का कहीं आता पता नहीं था। तुम्हें लगा कि मालिक नहीं है तो मोटरसाइकिल चुरा ले? हाँ सर। रात बाइक यहीं पे थे, मतलब करण यहीं पे था, गया नहीं। ये बाइक कहाँ पे खड़ी थी उसकी? यहीं पर खड़ी थी साहब। यहाँ पे? हाँ सर। और ये क्या जगह? गोडाउन है साहब। ये है सर गोडाउन। गोडाउन? रात भर ये बाइक बाहर खड़ी थी, इसका मतलब ये करण घर गया नहीं था। सर, ये भी तो हो सकता है कि करण यहाँ कोई गलत काम कर रहा हो। क्या गलत काम कर रहा था वो? कोई भी गैर कानूनी काम जो यहाँ अच्छी तरह से छुपके किया जा सकता है। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है, देखो सर आस पास तो दिखता है।
काश। अच्छा काजल। इधर तुम्हारे गोडाउन में लाश पड़ी है और तुम्हें पता ही नहीं है कौन है ये आदमी, पहचानते हो उसे? साहब, ये तो करण साहब है साहब। करण? कोई बड़ी बात थी जो करण हमको बताना चाहता था, अगर उससे पहले किसी ने इसका खून कर दिया। सर, इसकी लाश को देख के लगता है कि इसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी। इसका मतलब जैसे ही हमें फोन करने के बाद करण यहाँ पहुंचा, किसी ने इसका खून कर दिया। कुछ मालूम है, शक है किसी पे? हाँ? नहीं सर, हमें कुछ मालूम नहीं सर। सकता है इस पे से मिल जाए खूनी की उंगलियों के निशान। हाथी का मुंह बना हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? अजय, तो इसका फोटो ले। ये आसपास कोई हाथी है क्या, कहीं फार्म हाउस में? नहीं सर, यहाँ कोई हाथी वाटी नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाथी कोई कोड हो? शायद इसकी मौत का राज इस कोड में छुपा हुआ है। सर, ये करण मरने से पहले हाथी का मुंह बनाकर मरा है, आखिर क्या बताना चाहता था हमें? कोई बड़ी बात छुपी होगी इस हाथी के मुंह में। पर सर, वो बड़ी बात है क्या, ये कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है शायद किसी हाथी की मूर्तियों के बारे में बात कर रहा हो, या फिर हेलो। हाँ बोलो। करण गाइड का क्या बात कर रहा हूँ, पक्का मालूम है ना? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। लो भाई, एक नई बात पता चली है, तो जो करण था ये गाइड था, और एलोरा की गुफाएं है ना, वहां पे काम करता है। अभी ये फोटो देखो, इस फोटो में ये शेर और हाथी बने हुए हैं। देखो नीचे लिखा है गुफा नंबर 16, लाइन से हाथी बने हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं हाथियों के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे कुछ छुपा के रख दिया। ये गुफा नंबर 16 पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके अंदर है वो कैलाश का टेम्पल। अच्छा, तो ये है वो। चलो भाई देखते हैं। CID मुंबई। केस के बारे में ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल रही है जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आइए सर जी, घुमा दूं आप लोगों को। यहाँ पे गाइड हो? जी हाँ सर जी। चलो देखो, हम यहाँ घूमने या कुछ देखने नहीं आए, हम कुछ ढूंढने आए। जी, मदद करोगे हमारी? जी हाँ जी। यहाँ पर क्या ढूंढेंगे सर आप लोग, यहाँ तो सिर्फ गुफाएं हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी महान है। सर, ये सारा मंदिर नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बना है सर जी। सर, मौका मिलेगा तो फिर कभी घूमने जरूर आऊंगा मैं तो। विवेक, मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा दुनिया में। वाह, क्या बात है, 1500 साल पहले बनाया कैसे होगा? यही तो खास बात है इस मंदिर की।
ऐसा नजारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सर जी। करण को जानते हो? हाँ जानता हूँ सर जी। यहीं पे काम करता था ना वो? हाँ आज आया नहीं सर वो। अब वो आएगा भी नहीं? वो औरंगाबाद छोड़ के चला गया क्या? वो दुनिया छोड़ के चला गया है। खून हो गया उसका। खून हो गया? कल तक तो ठीक ठाक था सर जी। कुछ देर के लिए उसने टूरिस्ट को भी घुमाया और उसके टूरिस्ट को मैंने भी कुछ देर घुमाया था। क्यों? तुमने क्यों घुमाया? वो अचानक उसको कुछ काम निकल आया था सर जी। ऐसा क्या काम निकला? वो तो मुझे पता नहीं सर जी। वो लेकिन वो उस तरफ गया था हाथियों की तरफ। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना उस तरफ गया था। हाथियों की तरफ? हाँ जी हाँ। चलो दिखाओ वो जगह। ये देखिए सर। शायद इसी जगह के बारे में करण हमें बताना चाहता था। ये लगता है इन हाथियों के बीच में ही कुछ छुपा है। देखो जरा, चलो फैल जाओ सब लोग। सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर, एक बात नोट किया हमने, चारों तरफ जितने भी हाथी हैं सबकी सूंड टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो तीन हाथी हैं इन सबकी सूंड सही सलामत है। हाँ सर, शायद करण मरते वक्त इन्हीं हाथियों के निशान बनाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इन तीन सूंड वाले हाथियों में ही खुद छुपा के रखा है। सर देखो जरा। सर कागज पे कुछ लिखा भी तो नहीं है। वो सिर्फ तो वैसा ही हैंडमेड पेपर जैसा हमें उस मोबाइल शॉप में मिला था। हाँ यहाँ के सारा पेपर ऐसे ऊपर छुपाने की क्या जरूरत हो सकती है? तो के पीछे क्या राज है जो यहाँ पे रखे? क्या कहना क्या चाहता है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी वजह से करण का खून हो गया। अगर कुछ समझ में आएगा तो बता देना।
क्या है? मुझे लगता है इस करण को ऐसा कुछ पता चल गया था जिससे किसी गैंग का भांडा फूट सकता था सर। हाँ दया, लगता है उसी गैंग के लोगों ने इस करण का खून भी किया है। लेकिन उस हैंडमेड पेपर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पेपर हमें मोबाइल फोन की दुकान में मिलता है और बिल्कुल वैसा ही हैंडमेड पेपर हमें एलोरा केव्स में मिलता है। ये क्या है? सर, उस पेपर में ही मौत की वजह छुपी हुई होगी, वरना करण मरते मरते हाथी का निशान छोड़ के नहीं जाता। पेपर पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर के अंदर कुछ हो? पेपर ठीक है, काफी मोटा है, कहीं कुछ उसके बीच में तो नहीं? हाँ बस, जो कुछ है इस पेपर में ही है। पेपर के अंदर है? मतलब ये पेपर जो हमें मिला है ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, ये बहुत ही खास पेपर है। क्या खास? क्या इसमें? दया, इस पेपर में जो कुछ मिला है उसके बारे में अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यार सालुन के बात को लंबा मत खींच, जो भी है जल्दी बता दे। इस कागज में कोकेन छुपा के बेचा जा रहा है। क्या कोकेन? कागज के बीच में कोकेन? तो फिर ये काम पेपर के फैक्ट्री में ही हो सकता है। चलो सब लोग इस तरफ आ जाओ, काम बंद कर दो, जल्दी सब इस तरफ आ जाओ। यहां पे कोई काम नहीं होगा इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। मगर क्यों सर, आप फैक्ट्री क्यों बंद कर रहे हो? हमने क्या किया? देखो, हमें पता लगा है कि पेपर्स के अंदर तुम लोग ड्रग्स बेचते हो। नहीं 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 सर, ये झूठ है सर, यहाँ पे ऐसा कोई गलत काम नहीं होता है। आप कौन है? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर है? इस पेपर के अंदर ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये पेपर यहीं पे बना है। हाँ, ये पेपर तो हमारे फैक्ट्री में बना है, मगर मगर क्या? ये ड्रग्स हमने रख दिया? हम सच कह रहे हैं सर, ये ड्रग्स वगैरह हम कुछ नहीं जानते, यहाँ पे तो पूरे गरीब लोग काम करते हैं सर। सर चाहे तो पूरे पेपर चेक कर सकते हो, ये तो हमारे रोजी रोटी का जरिया है सर। अगर ये काम तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सर ये भी तो हो सकता है कि बाहर के किसी आदमी ने किया हो ये काम। ये पेपर यहाँ से कोई लेकर गया था? हाँ सर, ये पेपर वही आदमी लेकर गया था जो करण साहब के साथ में था, कह रहा था सैंपल चाहिए। कौन था वो? वो तो नहीं पता, लेकिन कह रहा था किसी टीवी सीरियल के काम के लिए उसे पेपर चाहिए। उसे देखोगे तो पहचान लोगे तुम? हाँ सर। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात सर, मैंने उन्हें फोन के ऊपर बात करते हुए सुना था, वो किसी ड्रामा स्कूल में मिलने की बात कर रहे थे। ड्रामा स्कूल? ड्रामा स्कूल क्या मतलब सर? ड्रामा स्कूल में तो ड्रामा होगा ना, ये लोग वहां क्यों गए होंगे? ड्रामा स्कूल, थिएटर जैसे अच्छी अच्छी जगहों को भी खराब करके छोड़ेंगे ये बदमाश लोग। कैसा है, आपने कोई ना अच्छा कार्यक्रम करने का है, हा? अच्छा प्रोग्राम करने का है, तो इसलिए ना आपने को औरत लाने की है। औरत लाने की मत बोल रहे, प्रोग्राम के लिए औरत लाने की बोल। नाच गाने करने वाली औरत लाने की है। तो अपन कहाँ से लाएंगे वो औरत को? कोल्हापुर? कोल्हापुर नहीं रे, पुणे जाएंगे। पुणे? हाँ हाँ, पुणे में बहुत अच्छा औरत मिलती है नाचने। पुणे जाएंगे और नाच गाने के लिए औरत लेके आएंगे। चलेगा, लेकिन कैसा है वहाँ पे अपना अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, अपना वजन मत। अरे तेरा वजन मत गिरा, मर जाएंगे वहीं पे, नंडे में से बाहर आएंगे उसकी जान। तू चुप बैठ भाला। क्या चुप बैठ? अपन आप सबको पद दे देंगे। पद? तू गांव का सरपंच, उसके बाद तू गांव का ग्राम सेवक, तू पुलिस पाटिल, तू सोशल वर्कर। सोशल वर्क जो कुछ नहीं करता वो सोशल वर्क। तू 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 चुप बैठ भाला। अरे मेरे को कुछ पद देना आ रहा है सके सर? तू हमारा सबका प्यून। प्यून? हाँ प्यून। प्यून बोले तो
अरे प्यून बोले तो तू हमारा सबका देखभाल करने वाला सिपाही। अच्छा अच्छा, तुम सबकी देखभाल मैं करूंगा। चलेंगे चलेंगे। चलेगा ना? क्या काम करने का मैंने? तो वहाँ पे जाने के बाद में उस औरत पे इम्प्रेशन गिरने के लिए हम सब बोलेंगे क्या रे? तू क्या बोलेगा? जी सरकार। इतना झुक के? हाँ। वो तो तुम सब लोग बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैंने क्या बोलने कहा? जी सरकार। तुम बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैं क्या बोलूंगा? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। समझ में आ गया। चलो आ गए ना। हाँ। चल चल चल। क्या रे? जी सरकार। आ गए घर। आवाज लगाओ। लगाता मैं आवाज। ओ भैया, भाई योगेश, what are you doing यार? अरे कुछ पिछ समझ में आता है कुछ आपको? क्या सीन है? किसको आवाज दे रहे हैं आप? मौके की नजाकत को समझा करो। This is folk drama, young man. समझा करो। High pitch notes होना, high pitch notes. समझ में आ गए? औरत से बात कर रहे हो? जरा मोहब्बत से पब्लिक को पता चलना चाहिए क्या इंटेंशन है। समझ में आ रहा है? ओ भाई, भाई। कौन है? मैं छोना अकेला। समझ आ रहा? ओ भाई, मैं क्या बोल रहा था भाई? वो गॉट इट? दिस इज द सीन यंग मैन। ओके, ट्राई टू मेंटेन द इंटेंसिटी यार। व्हाट आर यू डूइंग? करेंगे, फिर से करेंगे, आ जाओ। क्या बात है सर? ये जो ड्रामा चल रहा है उसके डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? वो क्या सामने ही बैठे हैं, समझा रहे हैं एक्टर्स को। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, इन स्केचेस को गौर से देखिए। क्या ये तीनों लोगों यहाँ पे आए थे टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए? आप लोग एक्टर हम लोग एक्टर लगते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, आप लोग एक्टर नहीं हो सकते। क्यों? आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। क्या हुआ है? वो सब थोड़ी है, पहले आप ये बताइए ये लोग यहाँ पे आए थे? हाँ आए तो थे यहाँ, लेकिन वो टीवी सीरियल के सिलसिले में नहीं, कोई और काम के सिलसिले में आए। किसी और काम के लिए? किस काम के लिए आए थे? वो हम क्या है कि हम जगह जगह पर हमेशा ड्रामा करते रहते हैं इंडिया में। वो लोग ये जानना चाहते थे कि हम कहाँ कहाँ ड्रामा करेंगे। क्यों जानना चाहते थे वो लोग? उन्हें क्या लेना देना? सर वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी हमारे ड्रामा में काम करना है, जगह जगह पर घूमने को मिलता है। और एक बात कह रहे थे, उन्हें आर्ट डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, या वो सेटिंग का काम जानते हैं और सजावट करने में उन्हें मजा आता है, ऐसा कुछ। और आपने उनकी बात पे विश्वास कर लिया? जी नहीं सर, हम सालों से स्टेज पे काम कर रहे हैं सर, हम दूर से देख के बता सकते हैं कि कौन आदमी काम का है और कौन काम नहीं जानता। हाँ सर, और उनके पास कोई हैंडमेड पेपर भी था और वो पेपर को दिखाकर बता रहे थे कि इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हैंडमेड पेपर्स? हैंडमेड पेपर मतलब हाथ से बना हुआ कागज। तो ड्रग बेचने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे थे? क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आप इनसे दूर रहे वही अच्छा है। ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और अगर ये लोग आपके साथ मिल जाते तो जहाँ जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ वहाँ वो ड्रग्स बेचते। अच्छा हुआ सर हमने उन्हें मना कर दिया। कुछ पता है कहाँ गए ये लोग या अब कहाँ होंगे? ओ ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ फोन नंबर देके गए हैं। नंबर है आपके पास? यस सर। नंबर दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे। यस 017-48-990-30। थैंक यू। अच्छा काजल, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि मोबाइल है कहाँ पे। नंबर पे
यही आसपास है सर। देखो कहाँ पे? सर कोई आर्ट कॉलेज बता रहा है। आर्ट कॉलेज? इन लोगों से पूछा क्या? Excuse me, भाई सर। Yes sir। ये आर्ट कॉलेज कहाँ पे? सर ये रहा सामने, खंडर बन चुका है। और वो नया कॉलेज। आप लोग हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ सर। तो आपने यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को आते जाते देखा है जो देखने में गड़बड़ लगता हो? हाँ सर देखा है, ये गाड़ी उन्हीं की है। अंदर खंडहर में जाके पता नहीं क्या करते हैं। अभी भी अंदर है क्या? सर पता नहीं, अंदर ही होंगे वो। कॉलेज तो पूरा का पूरा खंडर बन चुका है। ऐसे लोगों को छुपने के लिए ऐसी जगह चाहिए होती। पुलिस वाले की आवाज अंदर से आई। गोली चली कहां से? किसने मारी गोली तुम्हें? कौन थे वो लोग? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। सर सर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है सर, अब बहुत देर हो चुकी है सर। कौन ये लोग हैं? सर वो एक गैंग है सर, जो शहर में ड्रग सप्लाई करता है सर। लेकिन तुम्हें क्यों गोली मारी उन्होंने? तुम कौन हो? मैं और करण गाइड ने इस गैंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश की सर, मगर उन लोगों ने मुझे। और कितने लोग? थैंक यू। शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये आदमी बता रहा था। होशियार रहना, इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है, जिंदा या मुर्दा।
क्या निकल गए? बच के भाग गए सर वो लोग। गाड़ी क्या पास? इधर से। जल्दी गायब कैसे? अरे सुनो, ये गाड़ी कहाँ गई? वो लोग तो चले गए। भाग गए? हाँ सर, जाते जाते कह रहे थे एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट से भागने की तैयारी हो सर? भाग के जाएंगे कहाँ? से भी आएंगे, जाएंगे तो वहीं से ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमसे पहले अंदर घुस गए? हाँ हो सकता है। सचिन एक काम करो, अंदर जाके पता कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें फोन करना। यस सर। और एक बात ध्यान से, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गोली चलाना काफी लोग हैं सर, ये तो वही तो। ए सीआईडी वालों, हमें यहाँ से जाने दो वरना यहाँ पर लाशों के ढेर बिछा देंगे हम। ए, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम, बाद में बहुत भारी पड़ेगा। बात की बात में देखा जाएगा ऑफिसर, फिलहाल हमें जाना है। ठीक है, कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम लोग जा सकते हो। और तुम लोगों को जाने दे। छोड़ दो साहब, इसके बाद में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे साहब। नहीं करेंगे साहब, माफ कर दीजिए साहब। माफ कर दीजिए साहब, छोड़ दें, माफ कर दो तुम लोगों को। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। दो दो लोगों का खून किया तुम लोगों ने, जहर बेचते हो लोगों को। तुम लोगों को तो जिंदगी भर जेल होगी, जेल या फिर फांसी, फांसी पे लटकोगे तुम लोग, समझे?